गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का पहले चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। प्ले विथ वर्ड्स। ए नंबर, राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स दैट लिव इन ए फॉरेस्ट। जंगल में जो रहते हैं 10 टो एनिमल का नाम लिखना है। वन, एनिमल टाइगर, एलिफेंट, डियर, जेबरा, फॉक्स, लियोपार्ड, बियर, मंकी, है ना। आप अदर्स एनिमल का भी नाम लिख सकते हो जो आपको आता है। बी नंबर, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट दिया गया है एनिमी। एनिमी का मतलब है दुश्मन, यानी कि शत्रु। तो एनिमी को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स। सेकेंड वन इज़ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त, यानी कि मित्र। देयर आर फोर फ्रेंड्स लिव इन ए जंगल। नंबर थ्री, नॉइस। नॉइस का मतलब है आवाज़, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। नॉइस, अनकम्फर्टेबल साउंड्स। सो नॉइस को इस्तेमाल करके दे हियर ए स्ट्रेंज नॉइस। नंबर फोर, ग्राउंड। द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है ज़मीन। द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड। फाइव नंबर है टर्न। टर्न का मतलब है खाली। द नेट वाज टर्न। तो पहले से फिर से देखते हैं। वन, एनिमी। एनिमी का मतलब है दुश्मन। तो मैन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल। इंसान जो है वो जानवरों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।